सिंध में कोरोना सूरत हाल संगीन, पाबंदियों में दो हफ्ते की तौसी। कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल, सियाहती मराकज, सी व्यू, हॉक्स बे बंद। स्कूल खुलने का फैसला, कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर होगा। कराची में सख्त लॉकडाउन पर गौर। मुल्क 24 घंटों के दौरान कोरोना से 88 अंबाद, 4709 केसेज रिपोर्ट। मजमू केसेज में 53% केसेज सिंध में सामने आए। मुल्क में 24 मई से SOPs के साथ सियाहत की इजाज़त। सियाहती मकामात पर जाने वालों का तंदुरुस्त होना लाजमी करार। NCOC की गाइडलाइन जारी। होटल्स और गेस्ट हाउस इंतजामिया को मेहमानों से कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत। बैरून मुल्क से आए मुसाफरों को टेस्ट, करंटीना और वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वायरस फैलाने की साजिश या मुझे माना गफलत। भारत ने जानबूझकर कोरोना वायरस की शिकार खातून को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। भारतीय वक्त में शामिल अमले के एक शख्स में कोरोना की तशखीस हुई। भारतीय हुकाम की जानिब से मुतासर खातून को पाकिस्तान पहुंचकर फौरी करंटीना होने की हिदायत की गई। लंदन में नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश का ड्रॉप सीन। मामला मियां इमरान और नासिर बट के दरमियान $35,000 के लेन देन का तनाजा निकला। हसन नवाज के दफ्तर में आने वाले अफराद प्राइवेट रिकवरी यूनिट के अरकान थे। वो नासिर बट को नोटिस देने आए थे। नवाज शरीफ या हसन नवाज के लिए नहीं आए थे। छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, इमरान खान की क्यादत में सब इकट्ठे हैं। अली जफर की रिपोर्ट पर तरीन ग्रुप को भी और हमें भी एतमाद है। वज़ीरे इत्तला फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है अब अपोजिशन की लुडियाँ खत्म हो जाएंगी। नुमान लंगड़ियाल ने कहा वो वज़ीरे आज़म पर एतमाद का इजहार करते हैं। नज़ीर चौधरी कहते हैं बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। इस साल 4% से ज़्यादा मौशी ग्रोथ की शरह हासिल कर लेंगे। मार्च में 3.2 अरब की रिकॉर्ड बरामदात की गईं। आज ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शहबाज शरीफ मौशी तरक्की देखकर घबरा गए। ये इसहाकदार के नहीं हकीकी अदाद व शुमार हैं। मौशी तरक्की की रफ्तार में मज़ीद इजाफा करेंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। जाम शोरो लिंक डाउन होने की वजह से हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। 40 ग्रिड स्टेशन से शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बहाली का काम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। पंजाब और सिंध के कई इलाके आंधी की जद में, कहीं गर्द-ओ-गुबार का तूफान, कहीं मूसलाधार बारिश। सरगोधा में आंधी के बाइस दीवार गिरने से 2 बच्चे जान बहक, 1 जख्मी। कई शहरों में दरख्त उखड़ गए। लाहौर समेत मुतादिद शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कराची गुलशन हदीद में बूंदाबांदी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।